जस आवाज राजस्थान हाजिर है लेकर चुनाव के विशेष खबरों की ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेधा और मैं अरिंदम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 356 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान महज 70 करोड़ की जब्ती की गई थी। जाहिर है ताजा आंकड़े उसके मुकाबले 510% ज्यादा हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 60 करोड़ 70 लाख रुपए के सीजर्स के साथ जयपुर प्रदेश में सबसे आगे है, 18 करोड़ 21 लाख के साथ उदयपुर दूसरे और 17 करोड़ 80 लाख के साथ अलवर तीसरे स्थान पर है। इस बारे में उनका कहना है, 65% जब्तियां पुलिस द्वारा की गई हैं, साथ में जो नारकोटिक्स एंड ड्रग विभाग है उनके द्वारा की गई हैं, फिर फ्रीबीज में SGST ने अच्छा कार्य किया है। इसके लिए हमारी 2000 से ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड्स लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में चुनाव तक आचार संहिता 5 तारीख तक है, 5 दिसंबर तक, तो हमारा प्रयास होगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग का मैंडेट है कि कोई भी इलीगल कार्य है जिसका इलेक्शन में प्रयोग हो सकता है उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये एनफोर्समेंट एजेंसियों खासकर राजस्थान पुलिस के एक्शन मोड पर होने का ही परिणाम है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय विशेष कार्य योजना के तहत काम कर रहा है। इस बारे में CP बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, देखिए क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो इसलिए जो भी शराब की बात कर लें हम या नशीले व्यापारों की बात कर लें, उन सब पर जो सख्ती की कार्रवाई है उसका ही नतीजा है। और केवल जयपुर की बात नहीं कर सकते हम, पूरे राजस्थान में ही जो पिछले वर्ष के जो सीजर थे, यहाँ तक कि पिछले चुनाव के जो सीजर थे, उससे कई गुना ज़्यादा सीजर जो है वो अभी तक हो चुके हैं। अगर केवल जयपुर पुलिस की बात करें तो जयपुर पुलिस ने पिछले वर्ष 2022 में लगभग 5.5 करोड़ की इस तरह के सीजर किए थे, जो कि इस बार लगभग 18 करोड़ के आसपास के सीजर हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश भर में मतदान से पहले की तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। इस VC बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन की तैयारियों, केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती, कानून व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों की चौकसी और EVM रेंडमाइजेशन की तैयारी के बारे में व्यापक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पिछले चुनाव में कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां बढ़ाने और दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने, पोस्टल बैलेट्स, सहायक मतदान केंद्र और सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वंचित पात्र लोगों को पूरक मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस अवधि में प्रदेश भर में 1,47,000 से ज्यादा मतदाताओं ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। अब ERO इन सभी आवेदनों का निस्तारण करेंगे। निर्वाचन विभाग 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। गौरतलब है कि मतदाता सूची में अब तक 5,27,96,733 मतदाता दर्ज हैं। बूंदी में धन और मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल और परिवहन के खिलाफ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान जारी है। चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ते 24 घंटे सक्रिय हैं। प्रदेश भर में नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार यादव ने इसके लिए सभी रिटर्निंग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लें। 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहनों के प्रवेश को ही अनुमति होगी। इसे ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था की जाए। और अब स्वीप गतिविधियों पर एक नजर। झालावाड़ में सरस डेयरी कार्मिकों ने जिले के सभी सरस डेयरी बूथों पर चुनाव आयोग के सभी एप्स डाउनलोड करने के लिए QR कोड के स्टिकर्स लगवाए हैं। बूथ पर आने वाले सभी ग्राहकों से एप्स डाउनलोड करने और उन्हें मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की जा रही है। उदयपुर में नगर निगम परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जोधपुर के मंडी में छात्रों ने पोस्टर बनाए और गरबा की प्रस्तुति में मतदान का संदेश दिया। ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। कल मिलने के वायदे के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। आप भी रखिएगा इस वायदे का ध्यान कि 25 नवंबर को जरूर करना है मतदान। नमस्कार।